नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर क्रेज में। Hyundai Creta 2024 अभी आप देख रहे हैं, जो कि ब्लैक कलर के साथ में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये इसका SX ऑप्शनल सबसे टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट है, जो कि ब्लैक कलर के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अल्टीमेट लग रहा है। लुक्स आप देख सकते हैं गाड़ी के, काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है। क्रेटा एक तरीके से अपने एडवांस टेक्नोलॉजी हाईटेक लेवल्स के फीचर्स के लिए जानी जाती है। और अभी 2024 में गाड़ी में एडास ऑफर आपको किया हुआ है, 360 डिग्री कैमरा भी अभी इसमें इंक्लूड यहाँ पर किया हुआ है। तो SX ऑप्शनल ऑटोमेटिक डीजल वेरियंट आप ये देख रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग मॉडल है क्रेटा का। की अगर आप देखेंगे तो इस मॉडल के अंदर कुछ ऐसी की आपको यहाँ पर मिलने वाली है। लॉक अनलॉक के बटन से गाड़ी को स्टार्ट आप कर सकते हैं और बूट खोलने का भी बटन है। सामने की तरफ से काफ़ी ज़्यादा गाड़ी का जो कैरेक्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड यहाँ पर रहने वाला है। तो सामने से देखिए आप, कंप्लीटली कनेक्टेड में DRLs भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सामने की तरफ से अगर आप देखते हो तो 360 डिग्री कैमरा गाड़ी के अंदर ऑफर किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा के प्लेसमेंट, एडास के जो सभी सेंसर्स वगैरह है वो आपको शीशे के ऊपर यहाँ पर सामने की तरफ देखने के लिए मिलते हैं। तो Level 2 एडास भी अभी क्रेटा के अंदर आपको ऑफर किया हुआ है। बाकी डीजल ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट अभी आप देख रहे हैं, सामने की तरफ से कुछ ऐसा ये दिखता है। ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा ये यहाँ पर अल्टीमेट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सामने की तरफ आपके पास में क्या है, कम्प्लीटली DRLs आप देख सकते हैं सामने की तरफ। नीचे अगर आप आएंगे ना तो डुअल जोन में यहाँ पर LED लाइट्स आपको इसमें ऑफर करी गई है। काफ़ी ज़्यादा एयर सर्कुलेशन भी दिया हुआ है गाड़ी के अंदर, जिससे गाड़ी की स्टेबिलिटी वगैरह काफ़ी अच्छी बनी रहती है। ब्लैक में मतलब गाड़ी जो है ना, सच में काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट लग रही है ऑन ग्राउंड जब आप इस गाड़ी को देखेंगे। तो मिरर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ओवरबीएम से यहाँ पर आपको एक कैमरा मिलता है। टोटल गाड़ी के अंदर 4 कैमरा आते हैं। व्हील्स अगर आप गाड़ी के देखेंगे तो 17 इंच के व्हील्स है, मल्टी स्पोक में व्हील्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा सही लगते हैं। पहले व्हील्स भी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगते हैं और ये तो मतलब सही लगते ही है, मतलब अभी तो अगर आप देखेंगे इसको तो। बाकी साइड में अगर आप देखेंगे तो क्रोम फिनिश में कम्प्लीटली डोर हैंडल्स वगैरह आपको मिलते हैं। अभी ना बेसिक वेरियंट से ही ऑल 4 डिस्क ब्रेक इसमें स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। पीछे का लुक अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा आयोनिक अगर आपने देखी ना तो उसी से इंस्पायर्ड वाला थोड़ा बहुत पीछे की तरफ से आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली कनेक्टेड में टेल लाइट्स है आपके पास में। ऊपर अगर आप आएंगे तो शार्क फिन आपको नया वाला डिज़ाइन में मिलता है सिल्वर में, रूफ रेल से हाई माउंट स्टॉप लाइट, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर सब कुछ आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। SX की ब्रांडिंग है। बाकी रिवर्स जो लाइट है इसका, ये यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से मिलता है। 4 इसमें अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर से रिवर्स कैमरा आप पीछे का यहाँ पर देख सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का 190 mm का है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस एक तरीके से। बाकी गाड़ी का बूट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बूट स्पेस हम देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस है। 350 liters का बूट स्पेस आपको क्रेटा यहाँ पर ऑफर करती है। पार्शल ट्रे है ऊपर की तरफ। बोस का इसमें साउंड सिस्टम आपको मिलता है 8 speakers का। और गाड़ी में स्पेस काफ़ी अच्छा है। कलर टोन भी आप देख सकते हैं, नया कलर इसमें यूज़ किया हुआ है। अभी अंदर अगर आप आएंगे तो स्पेयर व्हील टूल किट वगैरह आपको यहाँ पर जो कुछ मिल जाती है। और स्पेस भी जो है ना, दोनों तरफ काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर मिली जाती है। बाकी बैक का लुक जो है ना, आयोनिक अगर आपने देखी ना तो उसी तरीके का लुक आपको पीछे की तरफ से यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। फ्यूल टैंक अगर आप देखेंगे ना गाड़ी का, 50 liters का फ्यूल टैंक आपको मिलता है। इसे खोलने के लिए आपको अंदर से खोलना पड़ेगा। बाकी ये तो कुछ एक्सटीरियर हो गया गाड़ी का। इंटीरियर भी अगर आप देखेंगे ना, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लुक्स के साथ में आता है। आइए इंटीरियर में आपको चेकआउट करा देता हूँ। कंप्लीटली क्रोम फिनिश में डोर हैंडल से कीलेस एंट्री है आपके पास में टॉप एंड वेरियंट के अंदर। तो इंटीरियर का लेआउट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप एक लुक देख सकते हैं। कंप्लीटली यहाँ पर काफ़ी बड़ी स्क्रीन आपको इसमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। इंटीरियर का जो शेड है ब्राउन और ग्रे कलर टोन में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ड्राइवर साइड डोर के ऊपर अगर आप देखते हो तो बोस का सिस्टम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ से जो है आप मिरर को फोल्ड कर सकते हो। 1-touch अप डाउन विंडो ड्राइवर के लिए अवेलेबल है। बाकी चारों पावर विंडोज के कंट्रोल है। नीचे ग्लास विंडोज के लिए भी जगह आपको यहाँ पर मिली जाती है। सीट्स अगर आप देखेंगे गाड़ी के, आइए मैं आपको सीट्स यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सीट्स की जो एडजस्टमेंट आपको मिलती है, इलेक्ट्रॉनिकली सीट्स को आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी आपको कुछ करना है। यहाँ पर अगर आप आएंगे ना तो यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप का बटन है, स्टेबिलिटी कंट्रोल का फंक्शन है, यहाँ से आप ऑटो स्टॉप आपको भी कर सकते हैं गाड़ी को। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का बटन है। हेडलाइट्स की जो लेवल होती है ऊपर या नीचे आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन है उसके पेडल्स आप इस पर देख सकते हैं। बाकी ये गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है और स्टार्ट करने पर कुछ इस प्रकार से आपको ये यहाँ पर स्पीडोमीटर वगैरह शो कर देता है। बाकी जब आप इंटीरियर में बैठेंगे ना गाड़ी में क्रेटा के अंदर, काफ़ी अच्छी हाइट के ऊपर आप बैठते हैं और गाड़ी में जो एम्बियंस वगैरह है ये काफ़ी अच्छी लेवल का आपको यहाँ पर फील होने वाला है। बाकी इंटीरियर का लेआउट आप देखिए, बेज कलर फिनिश है और एक क्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लेवल की आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सबवूफर ये ऊपर की तरफ, 8 speakers का बोस का सिस्टम है। स्टेरिंग व्हील अगर आप देखेंगे ना तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही वे में एडजस्ट होने वाला ये स्टेरिंग व्हील है। कम्प्लीटली पेडल शिफ्टर्स भी आपको स्टेरिंग व्हील के ऊपर यहाँ पर देखने मिलते हैं और लेदर रैप के साथ में तो आता है ये D-cut वाला स्टेरिंग व्हील है। बाकी स्पीडोमीटर इसका काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अंदर की तरफ, नया वाला स्पीडोमीटर है आपके पास में। यहाँ पर जो सभी कंट्रोल्स है ना, यहाँ पर वॉइस कमांड के, फ़ोन उठाने के, काटने के सारे कंट्रोल्स आपको इस तरह भी मिलते हैं।
इस तरफ जो कंट्रोल्स से एडास के जो सारे कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। लेन वॉच असिस्ट जो भी कुछ फंक्शंस आते हैं एडास में वो आपको यहाँ से आप इन्हें हैंडल कर सकते हैं। बाकी अंदर अगर आप देखेंगे ना तो MID में आप देखिए यहाँ पर भी काफ़ी सारे फंक्शंस ही आपको ऑफर करेगा। तो इस बटन के जरिए आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रिप के बारे में बताएगा गाड़ी में कितना फ्यूल बचा है, गाड़ी इतने फ्यूल में कितने किलोमीटर तक चल सकती है, ट्रिप है ट्रिप भी जैसे कई सारे फंक्शंस आपको ये बताएगा। ये कुछ इसका कंपस हो गया और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग का भी सिस्टम है, कौन से टायर में कितनी हवा है ये आपको यहाँ पर कुछ डिटेल में बता देता है। बाकी ये तो कुछ MID के फंक्शंस हो गए। और इसको जो है ना आप तीन वे में एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये इसका स्पोर्ट्स मोड हो गया, इको मोड और ये नॉर्मल मोड, ऐसे कुछ तीन टाइप के मोड्स आपको यहाँ पर जो कुछ इसमें देखने के लिए मिलते हैं। इस बटन के जरिए आप इन मोड्स को चेंज कर सकते हो। बाकी म्यूजिक सिस्टम भी अगर आप देखेंगे गाड़ी का तो 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है गाड़ी के अंदर। बोस का सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाता है और कम्प्लीटली कनेक्टेड एक ही लाइन में आपको ये सिस्टम जो कुछ इसका यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि लुक्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रीमियम लग रहा है। मैप्स आपको इनबिल्ड यहाँ पर मिलने वाला है, मैप्स की जो क्वालिटी वगैरह है ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार लेवल की आपको यहाँ पर इसमें देखने के लिए मिलती है। बाकी नेविगेशन फ़ोन वगैरह हो गया और भी कई सारे, क्लाइमेट को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको AC को कंट्रोल करना है ना तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी कंट्रोल इसमें कर सकते हो। मीडिया में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं FM AM हो गया या फिर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की जो भी कनेक्टिविटी होती है वो आप यहाँ से कर सकते हो। JioSaavn आपको इसमें इनबिल्ड यहाँ पर मिलेगा, फ़ोन में चलाने की ज़रूरत नहीं है। व्हीकल के बारे में सभी जानकारी आपको ये यहाँ पर बताता है। व्हीकल देख सकते हैं, ड्राइविंग असिस्टेंस हो गया, जो एडास वगैरह के जो सारे फंक्शन है, सेफ्टी पार्किंग वगैरह सब कुछ जो कुछ है वो आपको यहाँ पर बताएगा। साउंड्स के रिलेटेड अगर आपको सेटिंग्स करनी है ना तो वो भी ये बोस का साउंड सिस्टम है ना, तो उसकी पोजीशन वगैरह जो कुछ है होता है सेटिंग अगर आपको करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। गाड़ी के अंदर टोटल बोस के 4 स्पीकर से, 2 ट्विटर्स है सामने की तरफ और 2 सबवूफर आते हैं, एक सामने की तरफ है और एक पीछे बूट में है, तो ऐसा कुल 8 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। AC के वेंट्स अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से आपको यहाँ पर ये कुछ देखने के लिए मिलते हैं। बाकी सेंटर में अगर आप देखेंगे तो कंसोल वगैरह जो कुछ है ये आपको कुछ इस प्रकार से मिलता है। टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। AC की स्पीड वगैरह बढ़ानी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे ना तो इसको हम अभी थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। अंदर आप देखिए यहाँ पर आपको टाइप सी का पोर्ट मिलता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट है आपके पास में और USB का भी पोर्ट है। वायरलेस फ़ोन को आप यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं, वायरलेस पैड भी आपके पास में। और गेयरबॉक्स अगर आप देखेंगे ना, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये सही लग रहा है इसका, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लुक्स के साथ में आता है। इस बटन के जरिए जो है ना आप ड्राइविंग और ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन में, अभी तो ये ट्रैक्शन हो गया, ट्रैक्शन में आप स्नो मड और सैंड को यहाँ पर जो कुछ एक्सेस कर सकते हो और इसे दबाएंगे तो नॉर्मल, स्पोर्ट्स और इको, ऐसे अगर मोड्स अगर आप करेंगे ना तो उसी तरीके की गाड़ी की परफॉर्मेंस भी आपको मिलती है। स्पोर्ट्स में चलाएंगे तो गाड़ी थोड़ी सी मतलब एक्सेलरेट अच्छे से करती है, आपको पावर वगैरह ज़्यादा मिलती है। बाकी पार्किंग का बटन आपको यहाँ पर मिलता है, पार्किंग ब्रेक का बटन है, ऑटो होल्ड का भी फंक्शन है, वेंटिलेटेड सीट से दोनों उसे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा आता है गाड़ी में तो यहाँ पर आपको बटन भी मिलता है, यहाँ पर आप कैमरा की क्वालिटी वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये कुछ इसका 360 डिग्री कैमरा हो गया, तो इसे अगर आपको जूम करके देखना है किसी ऑप्टिकल को तो वो भी आप देख सकते हैं। एक्चुअली गाड़ी की जो मतलब कैमरे की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी लेवल की आपको यहाँ पर जो कुछ देखने के लिए मिलती है। काफ़ी सारे मोड्स भी आते हैं गाड़ी को कुछ इस प्रकार से 3D व्यू में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये फंक्शन लगा मुझे इसका। बाकी और अगर आप देखेंगे डिस्प्ले के रिलेटेड सारी सेटिंग्स वगैरह आपको मिलती है, ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना है, इसका जो नाइट मोड है, ऐसे कुछ सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर ये कुछ देखने के लिए मिलते हैं। बाकी ये तो कुछ हो गया इसका स्क्रीन के बारे में, और क्या है सेंटर में आपके पास में ग्लास होल्डर्स के लिए थोड़ी बहुत जगह आपको यहाँ पर मिलती है। सेंटर हैंडरेस्ट अगर आप देखेंगे और इसमें भी काफ़ी अच्छी स्पेस है, तो यहाँ पर जो है ना पैसेंजर्स के लिए मोबाइल रखने के लिए अच्छी खासी स्पेस है। अंदर की तरफ भी काफ़ी अच्छी स्पेस है, यहाँ पर आपको जो है ना कूलिंग का भी सिस्टम इसमें दिया हुआ है और जो फिनिश वगैरह है, जो बिल्ड क्वालिटी है गाड़ी की, काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच लेवल की आपको मिलने वाली है। ऊपर जो है ना कम्प्लीटली इलेक्ट्रोक्रोमिक वाला मिरर है, यहाँ पर सभी सनग्लास होल्डर है आपके पास में, लाइट्स के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स है LEDs में, लाइट्स है कम्प्लीटली। पैसेंजर साइड वैनिटी है जिसमें मिरर भी आपको मिलता है, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये ड्राइवर साइड वैनिटी है जिसमें मिरर नहीं है, सिर्फ टिकट होल्डर ही आपको मिलता है। SOS रोड साइड असिस्टेंस, ब्लू लिंक वगैरह की सारी कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर जो कुछ है देखने के लिए मिलती है। बाकी सनरूफ अगर आप खोलेंगे तो आइए सनरूफ आपको खोल के
दिखा देते हैं, तो ऑल द वे पीछे तक ये खुलती है और काफ़ी ज़्यादा सही लगती है। बाकी पीछे का व्यू अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर सामने की तरफ से इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। आइए अभी चलते हैं पीछे की सीट्स पर। पीछे की सीट्स पर जाने के लिए इस तरफ से आते हैं और देखते हैं पीछे क्या फंक्शंस अभी ऑफर करे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्प्लीटली विंडो ब्लाइंड्स आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है, सन शेड्स जिसे कहते हैं। होम फिनिश में डोर हैंडल से पावर विंडोज के कंट्रोल है, बोस का सिस्टम है कम्प्लीटली, ग्लास डोर्स के लिए भी जगह आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी इंटीरियर अगर आप देखेंगे गाड़ी का सेकंड रो का, तो यहाँ पर कम्प्लीटली कुशन वगैरह है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, दो वे में आप सीट्स को रिक्लाइन भी यहाँ पर कर सकते हैं और एक तरीके से रिक्लाइनेबल सीट्स है। अगर आपको ज़्यादा स्पेस की नीड है बूट में तो कुछ इस तरीके से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं सामान वगैरह रखने के लिए, और दो लोगों को भी यहाँ पर बिठा सकते हैं। तीन लोग जो है काफ़ी आराम से क्रेटा के अंदर यहाँ पर फिट हो जाते हैं। बाकी ये कुछ इसका इंटीरियर का लेआउट है। आइए अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर अगर हम इसमें बैठेंगे तो स्पेस के मामले में क्रेटा तो आपको पता ही है काफ़ी स्पेसियस गाड़ी है। सीट्स कम्प्लीटली लेदर रेट में आपको मिलती है, गंदी ज़्यादा होती नहीं है। पीछे के जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए एसी के वेंट से और दो टाइप सी के भी पोर्ट से यहाँ पर मोबाइल वगैरह रखने के लिए भी काफ़ी अच्छी स्पेस आपको मिलती है। पीछे की तरफ से जो फ्रंट व्यू आपको मिलने वाला है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। कम्प्लीटली सनरूफ है, पैनारामिक सनरूफ है, काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रैब हैंडल्स के अंदर लाइट्स वगैरह आपको यहाँ पर मिलती है, तो ये एक अच्छा फंक्शन है। इस तरफ भी लाइट्स वगैरह तो है ही अवेलेबल। अगर आप मेरी हेडरूम देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पेस है, 5.9 मेरी हाइट है, तो कुछ इन स्पेस है मेरे पास में अभी हेडरूम के लिए अवेलेबल। और काफ़ी एरी सी फील होती है गाड़ी, काफ़ी विंडो एरिया भी आपको मिलता है और तीन लोग भी जो है ना काफ़ी आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं कम्प्लीटली। ये कर्टन अगर आप लगाएंगे ना तो धूप से भी आपका काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्शन यहाँ पर होने वाला है। फिट एंड फिनिश गाड़ी की क्वालिटी वगैरह जो है एकदम टॉप नॉच लेवल की आपको मिलती है। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये कुछ सारे हेडरेस्ट वगैरह आपको मिलते हैं। अगर आप बेल्ट ये देखेंगे तो थर्ड रो में जो बैठेंगे उनके लिए भी लैप बेल्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। अभी ना मैं आपको गाड़ी का जो फ्रंट बोनेट है उससे खोल के यहाँ पर दिखा देता हूँ। इंजन ऑप्शंस की अगर हम इसमें बात करें तो आइए कौन सा इंजन है गाड़ी के अंदर वो हम अभी यहाँ पर देख लेते हैं। टोटल गाड़ी में तीन इंजन ऑप्शन आते थे पहले। डैम्पनिंग अगर आप देखिए बोनेट के ऊपर काफ़ी अच्छी आती है। इंजन का जो लेआउट है काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पर मिलता है। अभी जो फिलहाल आप इंजन ये देख रहे हैं ये इसका 1500 cc डीजल इंजन है, 4 सिलेंडर, जो कि 115 PS की पावर बनाता है। काफ़ी अच्छा टॉर्क आउटपुट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। फिलहाल ये ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ में वेरिएंट आप देख रहे हैं। पेट्रोल का भी ऑप्शन है, 1.5 MPI पेट्रोल का भी ऑप्शन है जो कि 115 PS की पावर बनाता है। तो ये कुछ अपडेट्स थे दोस्तों Hyundai Creta 2024 के बारे में। क्रेटा आपको कैसे लगे आप हमें नीचे जरूर कॉमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्रेटा के सारे ही वेरियंट्स के डिटेल रिव्यूज आपको चैनल के ऊपर देखने के लिए मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।